इस टाइम मेरे मतलब जितने दोस्त नहीं, जितने मेरे दुश्मन खड़े हैं। मैं लोगों से हाथ जोड़कर वोट मांग रही हूँ। मुझे कुछ इस टाइम मैं मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, मगर मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है और मेरे लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, मैं पहले शुक्रगुजार हूँ उन जो मेरी साथ मेरे भाई हैं और जिन लोगों ने मुझे हिम्मत देकर यहाँ पर पहुँचा है कि मेरी वो औकात ही नहीं थी कि मैं लोगों की इतनी खिदमत कर सकती हूँ कि मैं उनके काबिल नहीं। मैं एज काउंसलर मैंने बहुत काम किया, दिल जान लगा के मैंने बहुत काम किया, बट आज मैं बहुत अपसेट हूँ कि आज मेरी फैमिली मेरे साथ है। हाँ, बात करेंगे इस तरीके से। आपने देखा कि मैदान में बहुत सारे कैंडिडेट आए, क्योंकि आप एक खवातीन हैं, कि आपने भी हिम्मत की और आपने भी असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लिया, इस जज्बे को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे कुछ इस टाइम मैं मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, मगर मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है और मेरे लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे कुछ नहीं पता है कि मैं अपने लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। बस अपने लोगों को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास ऐसे पैसे नहीं हैं कि मैं लोगों को दे सकती हूँ या मैं लोगों को कुछ ऐसा कर सकती हूँ कि मैं वोट ला सकती हूँ या मैं कुछ ऐसा कुछ बांट सकती हूँ कि लड़के लड़कियाँ कोई भी जो भी हमारे बारामूला में लोग हैं वो मेरे पास आ सकते हैं, मगर मैं उनके लिए अपनी अपना खून दे सकती हूँ, अपना वक्त दे सकती हूँ, काम कर सकती हूँ उनके लिए, बस वो मेरे पास है। और मुझे एक फैशन है, एक शौक़ है अपने लोगों के लिए काम करना। जैसे मैंने पहले भी काउंसलरी के लिए बहुत काम किया है और मैं इससे ज़्यादा मैं कर चाहे मैं हारूँ या मैं जीतूँ, मुझे उससे कुछ नहीं है, वो अल्लाह इज्जत देने वाला अल्लाह ताला है। इस टाइम मेरे मतलब जितने दोस्त नहीं, जितने मेरे दुश्मन खड़े हैं, मगर अल्लाह की मदद से अगर लोग चाहेंगे, मैं लोगों से हाथ जोड़कर वोट मांग रही हूँ और अगर वो दे सकते हैं मुझे वोट दे और एक बहन को जिता सकते हैं और एक बेटी को जिता सकते हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है उनको देने के लिए प्यार के सिवा और मोहब्बत के सिवा और काम के सिवा, और अपना वक्त दे सकती हूँ। अपने लोगों को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। बस मैं लोगों को इतना ही कहती हूँ कि वोट उस इंसान को देना, उसको चुनना जो आपको इज्जत दे, आपको वक्त दे। और हमारे बारामूला में ये चीज़ नहीं है, डेवलपमेंट मैंने काउंसलरी में भी की है। अगर इंसान एक एज सोशल एक्टिविस्ट भी काम कर सकता है, वो भी काम ला सकता है, एक आम आदमी भी काम लग सकता है। तो काम उतना मस्ट नहीं है कि काम हम कर सकते हैं, मगर अगर अल्लाह की मदद से मैंने जीता, मैं खाली एक चीज़ करूंगी कि जो यहाँ पर हमारे बच्चे जो ड्रग्स करते हैं उनकी माएँ बहुत परेशान हैं, उनके पेरेंट्स बहुत परेशान हैं, बस पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल वो ख़त्म करूंगी। जो यहाँ पर गंदगी फैली हुई है मैं वादा करती हूँ कि वो चीज़ मैं ख़त्म करूंगी जो हमारे बारामूला के लिए एक जहर बन गया है, एक जिनकी माएँ बहुत तरस रही हैं इस टाइम की, वो चीज़ें ख़त्म हो जाए। कुछ लोग जो जहर लाते हैं वो मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। और हमारी बेटियाँ जो पढ़े लिखे बेटे हमारे यहाँ पर बेरोज़गारी की वजह से डिप्रेशन हो रहे हैं, मैं कोशिश करके जितना भी मुझसे हो सकता है मैं उनकी हेल्प करके उनको कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करवाऊंगी कि वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो सकते हैं। ये मेरा प्रॉमिस है।